हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन टेक्निकल कम्युनिकेशन। सो इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट कुड बी द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट। ओके, सो लास्ट लेक्चर्स वी डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वालिटी रिपोर्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, एंड दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट कुड बी द फॉर्मेट ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट। सो लेट अस ट्राई टू गेट व्हाट क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। Let us try to solve these problems. What could be the structure of formal reports? ठीक है, सो बेसिकली अगर हम आउटलाइन बनाए तो फॉर्मेट कैसा हो सकता है ऑलमोस्ट सभी टाइप ऑफ रिपोर्ट्स का, फॉर्मल रिपोर्ट्स का, उसको हम देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले हम टेक्निकल रिपोर्ट में टाइटल पेज की बात करेंगे। देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, हम सारी चीजों को लिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सब चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल रिपोर्ट कंटेन्स अ टाइटल पेज। सेकेंडली इट कंटेन्स एन एग्जीक्यूटिव समरी और यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट और यू कैन से सिनॉप्सिस, ऑल दिस कुड बी। द थर्ड वन वी इंक्लूड इंट्रोडक्शन इन टू इट। फोर्थ वन वी इंक्लूड मेथड्स और मेथडोलॉजी और यू कैन से प्रोसीजर यूज इन द रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट वी कैन इंक्लूड रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स। ओके, नेक्स्ट वी कैन इंक्लूड डिस्कशंस, देन कंक्लूजन। ओके, आफ्टर कंक्लूजन वी विल गिव रिकमेंडेशंस एंड देन अपेंडिसिस विल बी देयर एंड फाइनली विल हैव बिब्लियोग्राफी। सो एक ऑर्डर में हमने देख लिया कि रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा आएगा टाइटल ऑफ द पेज। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट टाइटल ऑफ द पेज। ठीक है, सो सबसे पहले जब भी कोई रीडर कुछ भी पढ़ता है तो सबसे पहले वो टाइटल से ही डिसाइड करता है वेदर ही शुड गो अबाउट और ही और शी शुड गो अबाउट रीडिंग द होल आर्टिकल और नॉट। वो टाइटल को देख के ही सब कुछ जज करता है। तो हमें टाइटल इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे रीडर को बहुत आसानी हो सके चीजों को लेने के लिए। ठीक है, जैसे कि रीडर किसी एक मकसद से आया कि उसको सोलर के बारे में पढ़ना है, तो आपको टाइटल, अगर आपका जो रिपोर्ट है वो बेस्ड ऑन सोलर पावर प्लांट्स है या जो भी है, ठीक है, तो आप उसमें मेंशन करो। इंस्टेड आप अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी में मेंशन करोगे सो द रीडर वोंट बी इंटरेस्टेड इन दैट। सो रीडर क्या स्पेसिफिक्स ढूंढ रहा है वो आपके रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि व्हाट स्पेसिफिकली यू आर राइटिंग अबाउट। ओके, नेक्स्ट अवॉइड इनकम्प्लीट टाइटल्स। ठीक है, सो आप इनकम्प्लीट टाइटल्स को अवॉइड कीजिए। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने इंक्लूड की है उसको वो आपके टाइटल में साफ पता चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए टाइटल, लेकिन उसमें जो डिटेल्स आप मेनली बताना चाहते हो कि आपने किस रिगार्डिंग वो रिपोर्ट लिखी है, दैट शुड बी क्लियरली नोन। ठीक है, क्लियरली विजिबल। ओके, नेक्स्ट नेम एंड द टाइटल ऑफ द पर्सन रिसीविंग द रिपोर्ट। सो टाइटल पेज में बेसिकली हम नाम लिखते हैं और जिसको हम रिपोर्ट देने वाले हैं उसका नाम लिखते हैं, और नेम एंड द टाइटल ऑफ द प्रिपेयरर, जो रिपोर्ट बना रहा है उसका भी नाम हम टाइटल पेज में लिखते हैं। देन हम उसमें डेट लिखते हैं। ओके, देन वी राइट अ नोट अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कितनी रिपोर्ट मेरी कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, तो उसके बारे में एक छोटा सा नोट भी हम लोग टाइटल पेज पे लिखते हैं। ठीक है, कि वेदर द रिपोर्ट जो है वो मेरी सीक्रेट है, सबके पास में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, कितने लोगों तक वो जानी चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियलिटी का जो क्लॉज होता है वो हम टाइटल पेज में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, कहां कहां पे ये आपकी रिपोर्ट जानी है। ठीक है, किस किस के पास में ये रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, कॉपी, इस रिपोर्ट की कॉपी किस किस के पास में जाएगी। ओके,
वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट डिसाइड करेगी. देन रेफरेंस नंबर, यू कैन ऑल्सो गिव अ रेफरेंस नंबर टू द रिपोर्ट, सम रिपोर्ट्स हैव रेफरेंस नंबर, आप उसमें एक नंबर दे सकते हो. तो ये सारी चीजें हमारी टाइटल पेज में इंक्लूड होंगी. ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट और यू कैन से सिनॉप्सिस और एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ अ लॉन्गर रिपोर्ट. सी यूजुअली तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सेकंड नंबर पे आ रहा है, लेकिन आप हमेशा याद रखो जो टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट हैं, दिस आर वेरी मच क्रूशियल थिंग इन राइटिंग अ रिपोर्ट, बिकॉज आफ्टर ओनली सीइंग द टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट द पर्सन विल डिसाइड वेदर टू गो अहेड विद रीडिंग द फुल रिपोर्ट और नॉट. ठीक है, देखो तभी डिसाइड हो पाएगा कि मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, जब आपका टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट है ना मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है. सो इनको बहुत सोच समझ के बनाना पड़ेगा. तो इसके लिए आप क्या करो, पहले तो अपने सारी रिसर्च फाइंडिंग्स, जितने भी प्रोसीजर्स है, सब कुछ कंप्लीट करो, और उसके बाद में ये जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और उनको सोचने की कोशिश करो, और फिर आप इन एब्स्ट्रैक्ट को या सिनॉप्सिस को या एग्जीक्यूटिव समरी को लिखो. ठीक है, नेक्स्ट. एब्स्ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, दो तरह का हो सकता है, या तो वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है या फिर वो इन्फॉर्मेटिव हो सकता है. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, देर आर ओनली फ्यू सेंटेंसेस. ठीक है, कुछ ही सेंटेंसेस होंगे डिस्क्रिप्टिव में, और वहां पे इन्फॉर्मेटिव वंस में जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सारे इंक्लूडेड होंगे. जो वहां पे भी हम इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट बना रहे उसमें सारे की पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे. ठीक है, द एब्स्ट्रैक्ट इज ऑफन रेड फर्स्ट इन अ रिपोर्ट. ठीक है, यूजुअली मैंने आपको अभी भी कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट को सबसे पहले पढ़ा जाता है किसी भी रिपोर्ट में. इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहले आप अपने पूरा वर्क को करो, उसके बाद में देखो कि आपके क्या की पॉइंट्स है दैट यू वांट द रीडर टू नो दैट पॉइंट्स. सो वो पॉइंट्स जो है वो आपके एब्स्ट्रैक्ट में रिफ्लेक्ट होने चाहिए. ओके, देन ऑफर्स एन ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट, जो आपने पूरे रिपोर्ट में क्या क्या काम किया है, कैसे कैसे काम किया है, वो पूरा उसका एक ओवरव्यू आपका एब्स्ट्रैक्ट में दिखना चाहिए. देन इंक्लूड फैक्ट को इंक्लूड करो, आप कंक्लूजन को इंक्लूड करो, और रिकमेंडेशन को आप एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड करो. ठीक है, और कोशिश करो कि जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट है वो सिर्फ वन पेज तक ही लिमिटेड हो, उससे ज्यादा का एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. ओके, देन डज नॉट इंक्लूड विजुअल, शुड नॉट हैव रेफरेंसेस, किसी तरह का ग्राफ, किसी तरह का पिक्चर उसमें नहीं होना चाहिए, और कोई रेफरेंसेस हम एब्स्ट्रैक्ट में कभी नहीं डालते. ठीक है, राइट और एब्स्ट्रैक्ट वंस द रिपोर्ट इज कंप्लीट, एक बार आपकी रिपोर्ट कंप्लीट होगी उसके बाद ही एब्स्ट्रैक्ट लिखने की कोशिश करो, दैट वुड बी द वेरी गुड हैबिट. यूज योर फाइनल आउटलाइन एज अ गाइड, देन री रीड एंड हाईलाइट द रिपोर्ट, बार बार उसको रीड करो और देखो कि कौन से पॉइंट मिस तो नहीं हो रहे हैं जो आप रीडर्स को बताना चाहते हो, बिकॉज रीडर एब्स्ट्रैक्ट को देख के ही आगे की रिपोर्ट पढ़ेगा. ओके, रिमेंबर दैट थिंग, और इन क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करो, वाई शुड द रीडर केयर अबाउट द प्रॉब्लम एंड द रिजल्ट, तो आप जो प्रॉब्लम कर रहे हो उसके बारे में रीडर क्यों सोचेगा और उसके रिजल्ट से रीडर को क्या लाभ मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको अपने आप को करना है जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो. देन यू शुड आस्क द क्वेश्चन, वॉट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और इस टेक्निकल रिपोर्ट को लिखने का पर्पज क्या है. देन यू शुड आस्क द क्वेश्चन, वॉट इज द प्रॉब्लम डेट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, ठीक है, आप किस प्रॉब्लम को ट्राई कर रहे हो सॉल्व करने के लिए, और क्या क्या आपका जो इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट और एनालिसिस है उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, स्कोप क्या है. ठीक है, स्टेप्स फॉलोड, आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं डेटा कलेक्शन के लिए. ओके, स्टेप्स फॉलोड टू कलेक्ट योर रिसर्च. देन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल कौन कौन से कंसिडर किए हैं, कौन सा वेरिएबल आपने कॉन्स्टेंट माना है, कौन सा वेरिएबल माना है, और अजम्पशंस क्या क्या लिए हैं वो आप क्लियरली यहां पे मेंशन करोगे. देन स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडेड, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन एंड फॉलोअप. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन इन अ रिपोर्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस द मेन सब्जेक्ट, वॉट एवर द मेन सब्जेक्ट इज, फिर वो ये बताता है कि बैकग्राउंड, यानी कि आपके एरिया में जिस भी टॉपिक पे आप काम करो उस पर किसी ने पहले काम किया है तो वो क्या क्या उसने टेक्निक्स लगाई हैं और क्या क्या यूसेज किया है, वो सब हमारा बैकग्राउंड में आ जाएगा, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो. फिर आपका जो वर्क है उसको उसकी नीड क्या है वो आप इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हो. देन लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं आपको सॉल्व करते वक्त, क्या क्या लिमिटेशंस आ रही है ना, वो सब आपको इंट्रोडक्शन में देना है. देन प्रॉब्लम ओवरव्यू, ठीक है, एक ब्रीफ में प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है उसके बारे में आपको बताना. देन रिपोर्ट का पर्पज आपको बताना है, ठीक है, कि आपने किस वजह से वो रिपोर्ट लिखी है उसका मकसद क्या है, दैट यू शुड
एक्सप्लेन इन इंट्रोडक्शन, देन स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है, देन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो व्हाइल राइटिंग द इंट्रोडक्शन व्हाट वी हैव टू इंक्लूड इज व्हाई वाज द रिपोर्ट रिटन. ठीक है, रिपोर्ट क्यों लिखी गई है. देन हाउ वाज द डेटा कलेक्टेड, जितना भी मैंने डेटा कलेक्ट किया वो कैसे किया है, वो उसके मेथड्स क्या क्या हैं वो हम लिखेंगे. व्हाट सोर्सेज वर यूज्ड, क्या क्या सोर्सेज यूज किए गए हैं उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए. ठीक है, आप उसे मेंशन कर सकते हो. व्हाट लिमिटेशंस वर इनकाउंटर्ड, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं आपको एक्सपेरिमेंट करते वक्त, वो सब आप लिख सकते हो. फिर स्कोप ऑफ द रिपोर्ट क्या है, देन व्हाट इज द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज रीडर को जरूरत पड़ेगी उस रिपोर्ट को समझने के लिए, वो आपको उसमें इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. देन की टर्म्स, जो जो की टर्म्स अगर आप नॉन टेक्निकल ऑडियंस के रिपोर्ट लिख रहे हैं और कुछ टेक्निकल वर्ड्स को आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन टेक्निकल वर्ड्स को एक तरीके से एक्सप्लेन करोगे. सो द की टर्म्स टू बी एक्सप्लेन, देन हाउ इज द रिपोर्ट अरेंज एंड व्हाई वाज द अरेंजमेंट यूज्ड. ओके, देन लास्टली डू नॉट इंक्लूड रिजल्ट इन इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही. अगले लेक्चर में हम रिजल्ट्स फाइंडिंग्स से स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.